एक मंच पर हार्दिक और राहुल गांधी आए नजर। दोनों ने ऐसा दहाड़ा कि भाजपा के उड़े होश। चिंतन शिविर से पहले इन दिनों राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर है। वो इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इस बीच ऐसी संभावनाएं जताई गई हैं कि वह पार्टी के असंतुष्ट नेता हार्दिक पटेल से मुलाकात कर सकते हैं। शक्तिशाली पाटीदार समुदाय के नेता और गुजरात में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल अपनी पार्टी नेतृत्व को चिंताजनक संकेत देते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा के साथ बातचीत की अटकलों के बीच अपने ट्विटर बायो से कांग्रेस और पार्टी चिन्ह हटा लिया था। 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए 28 वर्षीय पटेल गुजरात में कांग्रेस और उसके शीर्ष नेताओं द्वारा अनदेखी किए जाने की शिकायत करते रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने इसकी तुलना एक दूल्हे को जबरन नसबंदी करने की भावना से भी की है। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पटेल की नाराजगी के बाद राहुल गांधी ने उनसे संपर्क किया और उन्हें पार्टी में बने रहने का आग्रह किया है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस नेता ने गुजरात में पार्टी प्रभारी और अन्य नेताओं से मतभेदों को सुलझाने के लिए हार्दिक पटेल से संपर्क करने को कहा है। हार्दिक पटेल का गुजरात कांग्रेस नेतृत्व से तथाकथित मोह भंग प्रतिद्वंदी भाजपा के लिए राहत की खबर हो सकती है। हालांकि पटेल ने अब तक सियासी पाला बदलने के किसी भी कदम से इनकार किया है। उन्होंने कहा, मैं राहुल या प्रियंका गांधी से परेशान नहीं हूं, मैं राज्य नेतृत्व से परेशान हूं। मैं क्यों परेशान हूं? क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और ऐसे समय में ईमानदार और मजबूत लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, उन्हें पद दिया जाना चाहिए।